हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड हैंड ट्रक के बारे में जो कि यहाँ पर रनिंग कंडीशन बेचना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जो फर्स्ट नंबर की जो ट्रक आपको दिखाई दे रही है जो कि आईचर 1059 के नाम से दोस्तों यहाँ पर जानी जाती है, 14 फीट में आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल हो रही है। आईचर का दोस्तों ब्रांड है, 2011 का ये मॉडल है, 63,000+ किलोमीटर यहाँ पर जो है चल चुकी है। बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मिल रही है गाड़ी के, पूरी जो पेपर यहाँ पर ओके है और गुड कंडीशन में गाड़ी आपको यहाँ पर जो है मिल रही है। पुणे में ये जो ट्रक है आपको अवेलेबल हो रही है। अब दोस्तों बात करते इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है 4,25,000 रुपये। 4,25,000 के हिसाब से 2011 का मॉडल अगर आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पे कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बताना चाहूँगा गाड़ी जो है रनिंग और मेंटेन कंडीशन में यहाँ पर बेचना है तो जरूर कॉल करें। अब जो सेकंड नंबर की जो ट्रक आपको दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर अशोक लेलैंड ट्रक के नाम से दोस्तों जानी जाती है, 2012 का ये मॉडल है। वर्धा में ये जो ट्रक है आपको अवेलेबल हो रही है, रनिंग कंडीशन में इसको बेचना है। पेपर इसके पूरे पूरे ओके है, पेपर पूरे 1 साल के लिए यहाँ पर आपको ओके मिल जाएंगे। गाड़ी एकदम मेंटेन कंडीशन में है, गाड़ी का लुक आप देख सकते हैं, टायर की कंडीशन भी आपको अच्छी दिखाई देंगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी में ये जो है यूज होती थी, जैसे कि बताया दोस्तों 2012 का मॉडल है, 12 टायर में आपको यहाँ पर जो है मिल रही है। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है 9,00,000 रुपये। 9,00,000 के हिसाब से अशोक लेलैंड की 2012 का मॉडल अगर आपको अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फोन के द्वारा मिल जाएगी तो जरूर कॉल करें। अब जो थर्ड नंबर की जो ट्रक आपको दिखाई दे रही है जो कि टाटा ट्रक के नाम से जानी जाती है, 2013 का ये मॉडल है, 1,50,000 किलोमीटर यहाँ पर जो है चल चुकी है, गुड कंडीशन में है और ये जो रेती धोने के लिए यहाँ पर जो है यूज होती थी। कैबिन की कंडीशन भी बहुत अच्छी दिखाई देंगी। खोपोली में ये जो ट्रक है आपको अवेलेबल हो रही है, 2013 का मॉडल है, टाटा 1613 के नाम से जानी जाती है। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, एकदम रनिंग कंडीशन में सेल आउट करना है और टायर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है 9,00,000 के हिसाब से। अगर ये ट्रक आपको अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिख जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो जरूर कॉल करें। अब जो चौथे नंबर की जो ट्रक आपको दिखाई दे रही है जो कि टाटा 407 EX के नाम से यहाँ पर जानी जाती है, 2013 का ये मॉडल है, 1,80,000 किलोमीटर यहाँ पे जो चल चुकी है, टॉप कंडीशन में आपको मिल रही है, ऑल पेपर इसके क्लियर है, फुल इंश्योरेंस आपको मिल रहे हैं और बटन टायर आपको यहाँ पर जो है मिल रहे हैं। लोकेशन की बात करूं तो संगम नेर में ये जो ट्रक है आपको अवेलेबल हो रही है। गाड़ी का लुक आप देख सकते हैं, रनिंग कंडीशन में इसको सेल आउट करना है। बात करते हैं प्राइस के बारे में, इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है 5,75,000 रुपये। 5,75,000 के हिसाब से संगम नेर की गाड़ी जो कि 2013 का मॉडल है, अगर आपको अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बताना चाहूंगा टायर कंडीशन भी अच्छी मिल रही है, मेंटेन कंडीशन में इसको बेचना है तो जरूर कॉल करें। अब जो लास्ट नंबर की जो ट्रक आपको दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर आईचर ट्रक के नाम से जानी जाती है, आईचर 1110 के नाम से जानी जाती है, 2012 का दोस्तों ये मॉडल है, 5,000 किलोमीटर यहाँ पे जो है चल चुकी है, पावर स्टीयरिंग के साथ आपको मिल रही है, ऑल डॉक्यूमेंट इसके क्लियर है, 8 टन की पासिंग आपको यहाँ पर जो है मिल रही है। गाड़ी का लुक आप फोटो में देख सकते हैं, रनिंग कंडीशन में है, टायर की कंडीशन भी आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है दोस्तों 5,50,000 रुपये। 5,50,000 के हिसाब से 2012 का मॉडल अगर आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो जरूर कॉल करें। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, यहाँ पर मैंने आपको 5 सेकंड ट्रक के बारे में बताया, जो भी ट्रक अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच दोस्तों।